हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में शरीर में गति भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में विद्युत धारा भाग 1 के बारे में समझेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे वायु प्रदूषण भाग 1 की। फिर हम लोग जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी 1917 में पहली बार पटना पहुंचे और वहां उनके पुराने सहपाठी मजरूल हक मिले। उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता बताया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के घर रुकना तय किया। कृपलानी जी ने अपने छात्रों को गांधी जी को स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी दे दी थी। उस समय कृपलानी जी कुंवारे थे, हॉस्टल के एक रूम में रहते थे। वो भागे भागे प्रोफेसर मलकानी जी, जो कि हॉस्टल के प्रभारी थे, उनके यहाँ गए और गांधी जी को अपने यहाँ पे ठहराने की विनती करी। मलकानी जी खुशी खुशी राजी हो गए। श्रीमती मलकानी जी गांधी जी की आरती उतारना चाहती थी, लेकिन नारियल की कमी थी। तो फिर कृपलानी जी ने रात में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा, जिससे उनके जांघ में चोट भी आ गई। और वहां स्टेशन पर छात्रों ने पूरी ट्रेन छान मारी, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। छात्रों को कोई भी बैरिस्टर नुमा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उधर गांधी जी और शुक्ल जी गाड़ी से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कृपलानी जी का इंतजार करने लगे। बेचैनी से घूम रहे विद्यार्थियों को देखकर गांधी जी शुक्ल जी से बोले, आप जरा छात्रों से पूछे कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। शुक्ल जी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और विद्यार्थियों ने जवाब दिया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो शुक्ल जी ने उनसे कहा, यही तो है गांधी जी। पहली बार छात्रों ने गांधी जी को देखा था और उनकी एक साधारण सी वेशभूषा में वो पहचान भी नहीं पाए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके तो वहां पर क्या क्या हो रहा था। जीशान और सिकंदर बहुत ही होनहार बच्चे हैं। दोनों के घर एक ही गली में हैं। दोनों ने इस बार स्कूल में होने वाली खेलकूद की कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मन बनाया है। इसके लिए वे रहीम चाचा से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं।
रहीम चाचा अपने समय के नामी धावक रहे हैं। जब वे चाचा के पास अपनी बात लेकर गए तो उन्होंने दोनों बच्चों को पहले अपने शरीर की पेशियों और अस्थियों का अध्ययन करने के लिए कहा, उसके बाद ही वे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। पढ़ाई करके दोनों रहीम चाचा के पास पहुँचे। चाचा, हम दोनों ने अच्छे से अस्थियों और पेशियों का अध्ययन कर लिया, अब तो आप हमें प्रशिक्षण देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा है। मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करता हूँ, तुम जवाब देना। ठीक है चाचा, आप पूछिए। एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं, हमारा शरीर सीधा कैसे खड़ा रह पाता है? चाचा जी, हमारा शरीर अस्थियों के मजबूत ढांचे और पेशियों की सहायता से सीधा खड़ा रह पाता है। सही। अच्छा, अब ये बताओ, हमारे शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं? चाचा जी, हमारा शरीर और उसके अंग गति करने के लिए पेशियों का प्रयोग करते हैं। हमारी बहुत सी पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियाँ सिकुड़कर अस्थियों को गतिमान बनाती हैं। थोड़ा विस्तार से समझाओ। चाचा जी, ये भाग समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमारी पेशियाँ केवल सिकुड़कर अस्थियों को खींच सकती हैं, लेकिन धक्का नहीं दे सकती, इसलिए एक अस्थि को गति में लाने के लिए कम से कम दो पेशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद करके इससे अपनी छाती स्पर्श करूं, तो मेरी भुजा की अगली पेशी फूल जाती है क्योंकि ये सिकुड़ गई है, और अगर मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊं तो अगली पेशी शिथिल हो जाएगी और पिछले भाग की पेशी सिकुड़ जाएगी। शाबाश, हाथ की अगली पेशी को बाइसेप और पिछली को ट्राइसेप कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या हम अपने हाथ, पैर और अन्य अंगों को जोड़ों के अलावा किसी भी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं? नहीं। तो फिर हम अपने अंगों को जोड़ों की जगह पर कैसे मोड़ पाते हैं? चाचा जी, हम अपने हाथ, पैरों और अन्य अंगों को वहाँ से मोड़ और गति में ला सकते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ जुड़ी होती हैं, ऐसे जोड़ों को संधियाँ कहते हैं। देखिए, जैसे हमारी हथेलियाँ शरीर के सबसे लचीले हिस्सों में से हैं, हम उंगलियों को फैला के पंजा बना सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं, और इन्हें तरह तरह से हिलाकर इनके इस्तेमाल से लिख भी पाते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हथेली में बहुत सारी अस्थियाँ और संधियाँ होती हैं। हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियाँ कठोर एवं मजबूत होती हैं। ये लचीली नहीं होती, इसलिए हम इन्हें मोड़ नहीं सकते। मैं आपको इस छड़ी की मदद से समझाता हूँ। अगर मैं छड़ी को अपने कंधे से हाथ तक बांध लूँ, तो मैं हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ पाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा, ये बताओ, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? चाचा जी, हमारे शरीर में कई प्रकार की संधियाँ होती हैं, जैसे कि कंदुक-खलिका संधि, जिससे हमारे कंधों से हाथ और कूल्हों से जांघों की अस्थियाँ जुड़ी होती हैं। धुराग्र संधि से हमारा सर, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियों से जुड़ा होता है। इसके अलावा हिंज संधि और अचल संधियाँ भी होती हैं। अब ये समझाओ कि कौन सी संधि से किस प्रकार का चलन किया जा सकता है। चाचा जी, धुराग्र संधि या पीवर जॉइंट से हम गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और हिंज संधि या हिंज जॉइंट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। हमारी कूनियों, घुटनों, उंगलियों आदि में ये संधि पाई जाती है। इन संधि वाले स्थानों का केवल एक दिशा में हिलना डुलना हो पाता है। कंदुक-खल्लिका संधियों के स्थान पर हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति में आ पाते हैं। हमारे हाथ और कंधों के बीच में पाए जाने वाली यह संधि हाथों को एक हद तक चारों दिशाओं में घुमाने देती है। देखिए, हम अपने पैरों को भी आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं, किंतु यहाँ कंधे जितना लचीलापन नहीं होता। लेकिन चाचा जी, हर संधि गति के लिए नहीं होती,
कुछ संधियाँ मजबूती के लिए होती हैं। हमारा पसली पिंजर और हमारा ऊपरी जबड़ा ऐसे ही संधियों से बना होता है। वैसे चाचा जी, अगर हम देखें तो अस्थियों और संधियों से हमारे शरीर का सबसे लचीला ढांचा बनता है, वो है मेरुदंड। देखिए किस प्रकार हम झुक कर अपने हाथों से जमीन स्पर्श कर पाते हैं। लगातार अभ्यास करें तो हम पीछे मुड़कर भी जमीन को छू सकते हैं और कुछ हद तक दाएं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। अब बस एक आखिरी सवाल, ये बताओ हमारे कानों की अस्थि लचीली कैसे होती है? चाचा जी, हमारे कानों की अस्थि काफी लचीली होती है, लेकिन और अस्थियों जितनी मजबूत नहीं होती। ऐसे ही अस्थि हमारे नाक के अगले हिस्से और संधियों में भी पाई जाती हैं। बच्चों, हमारे कानों और नाक के अगले सिरे को अस्थि नहीं उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थियाँ हमारी अधिकतर संधियों में भी मौजूद होती हैं। खैर बच्चों, मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम इस परीक्षा में 100% अंकों से पास हुए हो। कल से हम तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। शुक्रिया चाचा जी, हम कल प्रशिक्षण लेने ठीक समय पर आ जाएंगे। विद्युत धारा एक। पहचानो मेरा मोल, मैं हूँ आप सबके लिए अनमोल। मेरे बिना न कोई साधन, आपको मेरी जरूरत है घर घर आंगन। इस वीडियो का उद्देश्य विद्युत के अवयवों, उनके प्रतीक और विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में जानना है। क्या बिजली को भी अभी कटना था? बिजली के बिना कितना मुश्किल है। हाँ वो तो है, जब हम छोटे थे इस गांव में बिजली नहीं होती थी, पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल होता था। न बिजली के पंखे थे, न बल्ब और न ट्यूबलाइट, न टीवी, न रेडियो, कुछ भी नहीं था। टीवी पर तो ये भी दिखाते हैं कि शहरों में रसोई घर में भी बिजली की मदद से खाना बनाया जाता है, कपड़े भी बिजली की मदद से धुल जाते हैं, यहाँ तक कि बर्तन धोने की मशीन भी बिजली पर निर्भर है। अच्छा, हमारे जिला अस्पताल की मशीनें जैसे एक्सरे मशीन भी बिजली से चलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ही बार बार बिजली क्यों चली जाती है? दिन में तो रोशनी रहती है, रात में अंधेरा। क्या हम सूरज की रोशनी को किसी डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते ताकि वो रात को इस्तेमाल कर सके? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या हर गांव में, हर शहर में ऐसे ही बिजली चली जाती है? बच्चों, अभी तक यहीं पर हो, मुन्ना के घर से चारा लेने नहीं जाना, टॉर्च जरूर ले जाना, बाहर अंधेरा है। अरे देखो, घर में बिजली नहीं है लेकिन मोहल्ले के खंबे का बल्ब तो जल रहा है, ऐसा क्यों? रमेश, टॉर्च बंद कर दो, आज तो चांद की रोशनी ही काफी है। कितना अच्छा होता कि सूरज दिन भर चमकता रहता, अंधेरा ही नहीं होता। अरे रमेश, वहाँ देखो, बिजली की तार कट गई है, कहीं बिजली इसलिए तो नहीं चली गई? हाँ हो सकता है, चलो चलकर देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। और देखो, बिजली घर के चाचा भी यही हैं। रमेश, मुन्ना, लता, आप लोग यहाँ कैसे? नमस्ते चाचा जी। इस तार के पास मत आना। चाचा जी, मोहल्ले के खंबे की लाइट कैसे चल रही है? गांव में तो पूरा अंधेरा है। सौर ऊर्जा पर चलती है। अच्छा, क्या सूरज की रोशनी को सचमुच इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, यह संभव है। बिजली की तार की मरम्मत होने के बाद बिजली आ जाएगी। बहुत रात हो गई है, आप लोग अभी चलो। कुछ देर के बाद बिजली आ गई और बच्चे घर चले गए। क्या आपको सौर ऊर्जा के बारे में पता है?
सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। रात भर सो नहीं सका, मुझे जिज्ञासा हो रही थी कि तार काटने से बिजली क्यों चली गई। मुन्ना, लता, चलो चाचा जी से मिलकर पूछते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बच्चों, इतनी सुबह क्या बात है? चाचा जी, ये हमारे गांव में बिजली बार बार क्यों चली जाती है? परीक्षा नजदीक आ रही है और पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। कल रात तो एक तार नीचे गिर गई थी, कुछ दिनों से तेज हवा के कारण यह हो रहा है। हम हवा को तो रोक नहीं सकते। अच्छा, जब तेज हवा और बारिश होती है हम सावधान रहते हैं ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए हम बिजली की आपूर्ति को काट देते हैं। पर क्यों चाचा जी? कई बार बिजली की तार नीचे गिर जाती है और उसमें बिजली रहती है, इससे लोगों को झटका लग सकता है। अच्छा, ये तो खतरनाक है। क्या बिजली का तापीय प्रभाव रहता है? हाँ, क्या आप मुझे उन बिजली के उपकरणों के बारे में बता सकते हो जो बिजली की वजह से गर्म होते हैं? माँ कहती है कि किसी भी बिजली के उपकरण को गीले हाथों से बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। चाचा जी, हमारे घर में एक पानी गर्म करने की रॉड है। जब हम इसे पानी में डालते हैं, पानी 10 मिनट में गर्म हो जाता है। शाबाश, उसे इमर्शन रॉड कहते हैं। इमर्शन रॉड विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से पानी को गर्म करती है। चाचा जी, मेरी माँ तो इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बनाती है। जब बिजली होती है तब खाना बन जाता है। शाबाश, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से कई उपकरण प्रयोग में आते हैं। बच्चों, क्या आप उन उपकरणों के बारे में पता लगा सकते हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से गर्म होते हैं? सोचिए और अपने अध्यापकों के साथ बैठकर इस सूची को बनाइए, आपको बहुत मजा आएगा। चाचा जी, यह बैटरी का चिन्ह है ना, और यह तो बल्ब का। जैसे हम सड़क के लिए सड़क चिन्ह और खतरे के लिए यह चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही विद्युत अवयवों के लिए भी अलग अलग चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह चिन्ह बल्ब का, यह स्विच का, यह तार का और यह बैटरी का। ये बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल का निशान है। हाँ, तुमने सही कहा। और यह सामान्य विद्युत परिपथ है। बिजली के हर उपकरण के लिए एक परिपथ रहता है, इससे हमें विद्युत की आपूर्ति के बारे में पता चलता है। इस परिपथ से तो समझ आ रहा है कि धन टर्मिनल से बिजली जा रही है और यह बल्ब जल रहा है। शाबाश बच्चों, आप तो जल्दी सीख गए हैं। काश उस टावर पर बैठे पक्षियों को समझ आता, उनको भी झटका लगता है और मर भी जाते हैं। पता है, कई बार इन पक्षियों की वजह से विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है। धन्यवाद चाचा जी हम सबको समझाने के लिए। हम चलते हैं चाचा जी। बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि और कौन कौन से चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। बच्चों, अब तो आप लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। मैं आप सभी की जिंदगी में रोशनी देती हूँ। मैं आप लोगों की दिनचर्या की एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी हूँ। खाने से लेकर सफाई तक मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। हाँ, मैं बिजली हूँ, लेकिन देखा मैं कितनी तेज हूँ। आपको मुझसे बच के रहना होगा। नंगे पैरों से, गीले हाथों से
किसी भी बिजली के उपकरण को छूना नहीं। अगर कहीं पर मेरे तार नीचे गिर गए हों तो उनको मत छूना। बिजली के खंभों से दूर रहिए, वे खेलने की चीज नहीं है। इस वीडियो में आपने विद्युत अवयवों के बारे में, उनके चिन्हों के बारे में और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे, देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। चलती सोती चलती उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे, तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना। आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना। घर के कामों में हाथ बताओ, फिर कहानी सुनो और सुनाओ। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं खुद सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह एक घंटा, शाम दो घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना। मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना। किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ ना पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं। घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा तारा नानू और दोस्त, हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट।
सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। सानिया, कल तुम एक गृह कार्य में मिले असाइनमेंट के बारे में बात कर रही थी, उसमें तुम्हें क्या करना था और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमने अपनी कक्षा में वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा है और टीचर ने हमें उसी के बारे में असाइनमेंट दिया है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे टीचर ने हमें अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर निरीक्षण करने को कहा है, जिसमें हमें देखने की जरूरत है दुकानों में चीजें कैसे पैक होती हैं, पार्क के सूखे पत्तों का क्या किया जाता है, क्या मोहल्ले में कूड़ेदान है, कचरे के साथ क्या होता है, आपके क्षेत्र में कितने पूर्ण विकसित पेड़ हैं, अपने मोबाइल ऐप पर जांच करें कि क्या आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब चीजों का निरीक्षण करके असाइनमेंट में लिखना है। यह तो बहुत ज्यादा कार्य है सानिया, हमें अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इसे पूरा करने में बहुत परेशानी होगी। आप सही कह रहे हैं, मम्मी से पूछते हैं कि क्या हम जा सकते हैं। मम्मी, कल रात मैंने आपको एक गृह कार्य के बारे में बताया था जो विज्ञान की टीचर ने दिया है, क्या कबीर भैया के साथ मैं वो काम करने जा सकती हूँ? हाँ, मुझे याद है, मैंने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ देखूं कि ये गृह कार्य तुम कैसे करते हो। आखिर मैं भी इस मोहल्ले की सदस्य हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यह बहुत बढ़िया है, चलो चलते हैं, यह तो एक पिकनिक की तरह हो गया। मैं पानी की बोतल और 2 छाते ले आती हूँ, दोस्तों आप भी मेरे साथ चलिए। सबसे पहले पार्क में चलते हैं क्योंकि वो हमारे घर के पास में ही है। अपने दाएं तरफ देखो, पेड़ से गिरी हुई सूखी पत्तियां इकट्ठा करके जलाई गई हैं। सानिया, क्या तुम एक हानिकारक रसायन का नाम बता सकती हो जो पत्तियों को जलाने पर निकलता है? मैं जानती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, जो हमने कक्षा 6 में पत्तियों की दहन प्रक्रिया पढ़ी थी वो आपको याद है? प्रक्रिया का अवशेष क्या है? आप सही हैं, धुआं, ज्योति, राख। ये सही प्रक्रिया नहीं है, खाद बनाने के लिए हमें इन पत्तियों की कंपोस्टिंग करनी चाहिए। मैं एक नोट बनाऊंगी और समिति से बात करूंगी। चलो देखते हैं कि कचरे की संग्रहण प्रक्रिया कैसे होती है। चलो चलते हैं। हमारे घर पर नगर पालिका के कचरा संग्राहक दरवाजे पर से रोज कचरा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? चलो कर्मचारी यानी कि स्टाफ से पूछते हैं, वो हमें बता सकते हैं। हमारे नगर पालिका के कचरा संग्राहक ने कहा कि वे कचरे के ढेर से केवल लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी जैसी चीजें ही अलग करते हैं। गीला और सूखा कचरा अलग करना संभव नहीं है क्योंकि घरों में लोग गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखते हैं, इसीलिए यह एक में ही मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जैविक अवशिष्ट जैसे कि बचे हुए फल, होटलों के बचे हुए भोजन, सब्जियाँ यहीं फेंक दी जाती हैं, जो दूसरे कचरे के साथ मिल जाती हैं। सारा ही कचरा कूड़ा घर भेज दिया जाता है, जहाँ से बहुत कम ही पुनरावृत्ति में जाता है, बाकी को जला दिया जाता है। क्या तुम जानती हो कि शहर में रोज कितने टन कचरा पैदा होता है? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं पढ़ा था,
शायद 8000 से 9000 मैट्रिक टन के लगभग। बिल्कुल सही। जरा सोचिए, अगर एक मैट्रिक टन का मतलब 1000 किलोग्राम, तो 9000 मैट्रिक टन कितना हुआ और कितना ज्यादा प्रदूषण होता है कचरे को जलाने से। यह सच में डरावनी स्थिति है। चलो चलकर अपने मोहल्ले की दुकानें देखते हैं। मैं देख सकता हूँ कि उनमें से ज्यादातर चीजें रोज इस्तेमाल होने वाली जैसे दाल, चावल, दूध, कपड़े आदि बेच रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों की पैकेजिंग प्लास्टिक में है। सही देखा। यह सच है। जब भी मैं चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदती हूँ, तो वह प्लास्टिक में लिप टी या प्लास्टिक की बोतल में मिलती है और मैं खाने के बाद उसके रैपर और बोतल को कूड़ेदान में डाल देती हूँ, क्योंकि इसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं, उसका असर पर्यावरण पर पड़ता है। इसी वजह से मैं चिप्स खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना करती हूँ। ये सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। अब से मैं इसका ध्यान रखूंगी। क्या आवासीय क्षेत्र के पास कोई कारखाने हैं? हाँ, यह देखो, बड़ी सी इमारत, कोई फैक्ट्री लग रही है। तुम कुछ हद तक ठीक हो, ये फैक्ट्री ही है, पर 15 साल से बंद पड़ी है। फैक्ट्री जरूर बहुत धुआं उत्पन्न करती होगी, तभी सरकार ने इसे बंद करवा दिया। हाँ, हमारी टीचर ने भी बताया था कि कैसे ताजमहल अपनी रंगत खो रहा है। ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। इन खतरनाक गैसों के कारण अम्ल वर्षा भी हुई है, जिससे ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। मैंने भी इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ें। मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, क्या हम घर चल सकते हैं? क्या तुमने सब कुछ लिख लिया जो भी गृह कार्य के लिए जरूरी था? हाँ। तो चलो। कबीर, फुटपाथ पर चलो, सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ, शुक्रिया। बताओ सानिया, गाड़ियां कैसे वायु प्रदूषण फैलाती हैं? जब कार, बाइक पेट्रोल पर चलती हैं, तब ईंधन दहन के कारण धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। दोस्तों, आपको याद है जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था? बताइए, कौन से ईंधन से गाड़ी को चलाना चाहिए पेट्रोल के अलावा? हाँ, आप एकदम सही हैं, CNG। हमारे घर के सामान भी वायु प्रदूषण फैलाते हैं। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज, एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होती है, ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लो, बात करते करते हम घर भी पहुंच गए। तो हम सबने अपने आसपास के बारे में क्या जाना? हमने जाना कि हमारे आसपास में कचरे के निपटान के लिए कोई उचित तकनीक नहीं है, जिस वजह से कचरे को जलाना पड़ता है। रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे फल, सब्जियां, कपड़े, इन सब की पैकेजिंग अभी भी प्लास्टिक में की जा रही है। सूखी पत्तियों को जलाने से हानिकारक रसायन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हमारे इलाके में लगभग 30 बड़े पेड़ हैं। अभी और कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में जानना बाकी है? अभी इन चीजों के बारे में जानना है। हमारे इलाके में ऐसे कितने घर हैं जहां उपकरणों में CFC है? कितने लोग अभी तक वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग अपने घरों के सूखे और गीले कचरे अलग अलग रखते हैं? दोस्तों, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप अपने इलाके के 10 लोगों से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं? मुझे इस बात का दुख हो रहा है, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसे ही दूषित कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ योजना बनानी होगी। मुझे बताओ। मेरे कुछ विचार इस प्रकार है।
हम अपने इलाके के लोगों से कहेंगे कि पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल न करें। हम हर महीने वृक्षारोपण अभियान कर सकते हैं। हम लोगों से गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखने की बात भी करेंगे। हाँ, ये सही विचार है। मैं भी समिति से बात करूंगी और देखूंगी कि कूड़े की पुनरावृत्ति ठीक से हो और सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय खाद बनानी शुरू की जाए। सही, मैं यह बात अपने सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाले बच्चों से भी कहूंगी। हम स्कूल में स्वच्छता शपथ भी ले सकते हैं। मैं हेडमास्टर जी से इसके बारे में बात करूंगी। दोस्तों, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। हम अपने वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। हम सभी यह काम कर सकते हैं। आप अपने इलाके में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? हमने सीखा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और ये गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय खाद बनाएं। सीएनजी से चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करें। इससे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी। औद्योगिक क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक रसायन हवा में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें आवासीय क्षेत्र से काफी दूर होना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए हम और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करें। दुकानदारों को पॉलीथीन इस्तेमाल करने से मना करें। खाद दान बनवाने के लिए अपने ग्राम पंचायत से आग्रह करें। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करें जिसमें सीएफसी ना हो। कूड़े कचड़े को इकट्ठा करके उससे खाद बनाएं। पड़ोसियों को सीएनजी से चलने वाली गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचे और उसे इंस्पायर के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है
इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है, फिर 1,00,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1,000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यवसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे ज़ू शो, तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के ज़ू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहाँ ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है।
दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है। और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्ची एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डिफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का, एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं। लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के 2 पैर पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं।
लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यह प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। हायना मूल रूप से पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार के जंगलों में मिलते हैं, खास करके विशेष जहाँ मनुष्यों की आबादी है उस जगह पे ये अधिक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। प्रायः ये सड़क पे जंगल के किनारे पाए जाते हैं। हायना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 का प्राणी है, जिसे इसे लोअर रिस्क पे रखा गया है। रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक इनकी केजों की सफाई होती है, मोट सफाई होती है, घास की कटाई होती है। जाड़े के ऋतु में इन्हें हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कूलर और पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये रह सके। लकड़बग्घे की एक विशेष खासियत होती है कि ये जो ये बोलते हैं तो इनका बोलने का जो आवाज़ होता है लगता है कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है। भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़ा वन जीव है। ये मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में मिलते हैं। भेड़िये बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। ये समूह में ही रहते हैं और समूह में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। सामान्यतः एक पैक यानी समूह में 8 से 9 भेड़िये होते हैं, लेकिन किसी किसी पैक में 20 से 30 भेड़िये भी हो सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और नियम बेहद कड़े होते हैं। हर समूह में एक अल्फा नर और मादा होती है जो समूह का नेतृत्व करते हैं। भेड़िया के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनमें 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करती है। इनमें गजब की सहन शक्ति और चलने की क्षमता होती है। कभी कभी ये भोजन की तलाश में अपने घर से कई कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये सामान्यतः 8 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन चल सकते हैं, लेकिन शिकार मिलने पर ये काफी तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सामान्यतः 100 से 130 सेंटीमीटर लंबा और 60 से 95 सेंटीमीटर ऊंचा होते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 15 सालों की होती है। ये 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इनका प्रजनन काल लगभग 2 महीनों का होता है। एक बार मादा भेड़िया 4 से 7 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स भी कहा जाता है। भेड़ियों की नजर बहुत तेज होती है और उनके सूंघने की ताकत भी गजब की होती है। ये कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात ये कुत्ते के फैमिली से संबंधित है। और इनका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है। वुल्फ जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इंडिया में सभी तरह के फॉरेस्ट में है। और पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। लास्ट ईयर 1 मेल और 1 फीमेल को वनलूर जू से लाया गया था। अपने से बड़े जानवर को भी, कई गुना बड़े जानवर को भी झुंड में रहने के कारण मारने में सफल होते हैं। काफ़ी तेजी से दौड़ सकते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किया गया है। पटना जू में इनको मेनली हम लोग बीफ खाने के लिए देते हैं, जो लगभग 2.5 से 3 kg तक एक जानवर बीफ को खाना पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद भेड़िया और लकड़बग्घा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर जाते हैं और इन्हें आश्चर्य की नजरों से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।